Hey guys, welcome back to my channel. I'm Amlan Sarkar, your host, and you're watching Courses Forensibus. So in this video, we are going to review yet another college, that is Government Institute of Forensic Science, Aurangabad, which comes under University of BAMU, which is in Aurangabad itself. So let's start this video, guys. Let's go to the academic section. So here are the courses: BSc Forensic Science, PG Diploma, MSc Forensic Science Certificate courses. So we'll go one by one. So let's go into the admission section first, and then we'll move into there. So here it is: BSc Forensic Science. This course is of 3 years and eligibility is 12th science, any group. So there are total 50 seats, out of which 45 seats are for the students of Maharashtrian domicile. Yes, this is a kind of demerit if you take it in a way of Gujarat for Aurangabad Institute of Forensic Science. But ये है कि यहाँ पे out of 50 seats, 45 seats belong to the Maharashtrian domicile, and which will be purely admission will be purely based on merit and reservation basis, and our five remaining seats are for the students outside Maharashtra. Now admission to these 5 seats will also be purely on merit basis. The admission procedure will start in the first week of June. तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म, द स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन प्रॉस्पेक्टस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफिस बाय पेइंग ₹15 कैश. स्टूडेंट कैन ऑल्सो डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल द डिटेल्स एंड विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन सेंड इट टू द ऑफिस फ्रॉम द बामू वेबसाइट. ठीक है, BAMU, बाबा अंबेडकर, एम का मैं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी है ये. आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा. द कोर्स फी इज ₹2000 पर ईयर. बहुत ही चीप है गाइस. बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल for this course. Now coming to MSc, now this course is of 2 years with 4 different specialization at MSc second year level, which includes digital and cyber forensics, which is very good, forensic chemistry and toxicology, biology, serology and DNA fingerprinting, and examination of QD and fingerprints. The eligibility is BSc with forensic science all papers. There are 25 seats and admission will be on merit and reservation basis. Fees is approximately 3000 per year. Hostel facilities also available. PG diploma ke dekhte kya kya courses hai: digital and cyber forensic and related law, and in forensic science and related law. एक साल का कोर्स है एंड इज 3000 पर ईयर. हॉस्टल फैसिलिटीज इस कोर्स के लिए नहीं है अवेलेबल. अभी यहाँ पे एक बात है कि अगर आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए जो महाराष्ट्र डोमिसाइल के उनके लिए टोटल 45 सीट्स आउट ऑफ 50, एंड बाकी के जितने भी स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए टोटल 5 सीट्स है, जिसमें भी एक सीट दो सीट एस टी एस सी ओबीसी के लिए होता है, बाकी 3 सीट जनरल के लिए होता है. ठीक है, उसमें भी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट होता है, जो आपके क्लास 12 के नंबर होते हैं. MSc फॉरेंसिक साइंस के टोटल 25 सीट्स है. 25 सीट्स में भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देर आर 25 सीट्स एंड एडमिशन विल बी ऑन मेरिट एंड रिजर्वेशन बेसिस. हाँ, आपको एडमिशन क्लियर करना पड़ेगा, एडमिशन टेस्ट जो होगा इनका, और उसका जो सिलेबस है वो BSc फॉरेंसिक साइंस की जो सिलेबस है उसके आधार पे होता है. पर यहाँ पे भी एक फंड है जो रिजर्वेशन बेसिस है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया ये चीज़, पर ये है कि 25 सीट्स में 85% महाराष्ट्र डोमिसाइल वालों के लिए होता है, 15% बाकी लोगों के लिए होता है. ठीक है, तो इसमें भी ये रिजर्वेशन है, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए भी है, बाहर के एंड बाहर स्टूडेंट के लिए अलग है. तो ये फंड है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में नहीं, महाराष्ट्र में ऐसे 3 इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस औरंगाबाद, नागपुर एंड मुंबई, ये तीनों में सेम चीज़ है. तो अभी आते ये एडमिशन और क्राइटेरिया मैंने बता दिया. अभी आते हैं डिपार्टमेंट में, क्या क्या डिपार्टमेंट है. फॉरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक का है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी का है, फॉरेंसिक लॉ का है. तो एक एक करके मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जाके आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो. अभी आते हैं एक्टिविटीज में. तो बहुत लोग, मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्लेसमेंट्स कौन से 3 इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, तो उसमें मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का नाम ऐड किया. तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि यार ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, तुझे कुछ पता नहीं है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि विद प्रूफ मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं ऐसे फोकट में बात नहीं कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हो इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ये सारे एमएससी के बच्चों की प्लेसमेंट हुई है. 2017-18 का जो बैच है ये देख सकते हो कितने सारे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं. 2016-17 का है ये, 2016 का है ये, 2015 का है, 14 का है. तो प्लेसमेंट्स, मैंने ये नहीं बोला था कि 100% प्लेसमेंट मिलते हैं, पर मैंने बोला था कि ये गुजरात LNGN एंड GIFS, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस औरंगाबाद, ये 3 ऐसे टॉप क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे इंडिया में, जिसके वहाँ से प्लेसमेंट्स होते हैं.
ठीक है, अभी मैंने एकेडमीज का बता दिया, अभी बीएससी फॉरेंसिक साइंस में क्लिक करूंगा तो जो मैंने एडमिशन वाले पोर्टल खोल के मैंने आपको दिखाया वही सारी चीज़ें होंगे यहाँ पे। ये देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस आप जाके देख सकते हैं, सिलेबस मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। पीजी डिप्लोमा की बात कर ली मैंने, एमएससी फॉरेंसिक साइंस की बात कर ली, अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करते हैं। तो क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं यहाँ पे? बेसिक आईटी स्किल्स पैकेज है, ये जितने भी ये सारे सॉफ्टवेयर से जो आपको काम करने के लिए मिलेगा यहाँ पे, एंड आप ये चाहो तो आप देख सकते हो, बहुत ही सही है। द इंस्टीट्यूट हैज साइंड एमओयू विद आईआईटी बॉम्बे रिगार्डिंग द ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्ड बाई देम अंडर द स्पोकिंग ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। दिस कोर्सेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ईच स्टूडेंट कैन अपियर फॉर ओनली 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन अ सेमेस्टर एज पर द स्टूडेंट्स प्रेफरेंस, एज वेल एज दिस कोर्सेज ऑफर्ड एज द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP फॉर द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनका, बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एडमिशन के लिए मैंने बता दिया आप कहाँ से कर सकते हो, इनका जो एडमिशन फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ स्टार्ट मई से इनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप नज़र रखिएगा कि कब निकल रहा है कब नहीं, तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ये अच्छा इंस्टीट्यूट है। क्या पता आपके नंबर अच्छे हो तो आप वो जो 15% कोटा है बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे आ जाए, और अगर महाराष्ट्र वाले कोई यहाँ पे देख रहा है तो उनके लिए तो है ही, डोमिसाइल उनके लिए 85% सीट्स तो वैसे ही रिजर्व है। सो दैट वॉज इट गाइज, होप यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।